सो हेलो गाइज, मैं हूं गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पार्टी में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऊपर। गाइज, यहां पर जो कैंपस है, KU की कैंपस, उसको खोलने को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपकी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो शुरू होने वाली हैं, हॉस्टल्स हैं वो भी आपको अब अलर्ट होने वाले हैं, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी के ऊपर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जैसे कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, आपकी डेट शीट कब आएगी, एंड ऑल अदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी कैंपसेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा के अंदर, वो सभी अब रीओपन होने वाली हैं, और KU के बारे में मैंने आपको बताया था कि मंडे को मीटिंग होगी, देन आफ्टर कोई भी डिसीजन है वो आ सकता है, ठीक है। सो गाइज, फाइनली यहाँ पर मीटिंग है वो ओवर हो चुकी है, और यहाँ पर आज ट्यूसडे को जो फैसला है वो आ चुका है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, आज की ही न्यूज़ है ये। 22 नवंबर से प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए खुलेगी KU। सो गाइज, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखा देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी रीओपनिंग के बारे में है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें जो हेडिंग है ऊपर, उसमें बताया गया है कि यहाँ पर मंडे को मीटिंग हुई, उसमें कुछ फैसले लिए गए, और चरणबद्ध तरीके से, यानी कि प्लानिंग के साथ कैंपस को खोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक नोटिस जारी कर दिया कि सभी आ जाइए, ऐसे नहीं बुलाया जाएगा, भीड़ को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, बिल्कुल प्लानिंग के साथ यहाँ पर आपकी जो कैंपस है उसको खोला जाएगा, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे, उनको मैं जूम करता हूँ। ऊपर की हेडिंग है वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नीचे चार पॉइंट दिए गए हैं, चार या पांच, वो आप देखिए, उनमें सारे के सारे यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो दी गई हैं। सो गाइज, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, द यूनिवर्सिटी विल ओपन फॉर फिजिकल, यानी कि ऑफलाइन क्लासेज फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स फ्रॉम 22/11/2021, यानी कि 22 नवंबर 2021 से आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज हैं वो कैंपस में लगनी स्टार्ट हो जाएंगी ऑफलाइन, ठीक है। सबसे पहली बात समझ में आ गई। आगे देखिए, द ऑनलाइन क्लासेज फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू टिल 20/11/2021, यानी कि 20 तारीख तक, या फिर हम कह सकते हैं 20 नवंबर तक जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ही चलेंगी, ठीक है। यानी कि 20 तक ऑनलाइन चलेंगी, जैसे चलती आ रही थी, 21 को संडे हो जाएगा आपका, और 22 नवंबर से आप कैंपस में जा सकते हो, पढ़ सकते हो, कैंपस लाइफ है वो इन्जॉय कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, द स्टूडेंट्स हु हैव बीन वैक्सीनेटेड फॉर COVID-19 वैक्सीन बाई एटलीस्ट 1 डोज विल ओनली बी अलाउड टू अटेंड द क्लासेस, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पर वैक्सीन लगवा रखी है वही अलाउ होंगे यहाँ पर क्लासेज के लिए, ठीक है। यानी कि जिसने एक लगवा रखी है डोज वो भी यहाँ पर अलाउ है, दो लगवा रखी है तो वो तो ऑब्वियसली अलाउ है ही, ठीक है। लेकिन जिसने एक भी डोज नहीं लगवा रखी वैक्सीन की, उसको क्लासेज में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिसने भी COVID-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई है, जल्दी से अपने नियर बाई किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपने आप को वैक्सीनेटेड कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड, दी हॉस्टल अलॉटमेंट। अब जिनको हॉस्टल चाहिए वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हॉस्टल के बारे में कुछ बताया गया है। द हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 16/11/21, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनको हॉस्टल चाहिए वो 16 तारीख से यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर फॉर हॉस्टल एकोमेंडेशन ऑन यूनिवर्सिटी IUMS पोर्टल फ्रॉम 16-18 नवंबर, यानी कि आज, कल और परसों, तीन दिन के लिए आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, तीन दिन के अंदर कभी भी, और फिर आपका यहाँ पर हॉस्टल के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड ओनली टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन वैक्सीनेटेड फुली बाय टेकिंग बोथ द डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन। गाइज, यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है। पहले पॉइंट में इन्होंने कहा था कि क्लास वो ले सकता है जिसने एक भी वैक्सीन लगवाई हो या फिर दोनों लगवाई है, वो भी ले सकता है, लेकिन हॉस्टल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने दोनों की दोनों डोज यहाँ पर लगवाई हो वैक्सीन की, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर इन्होंने कंडीशन रख दी है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। अब यहाँ पर आपके डाउट्स हो जाएंगे उत्पन्न, आप यहाँ पर कमेंट करेंगे कि भाई मैंने फर्स्ट डोज लगवा ली लेकिन सेकंड का टाइम नहीं हुआ है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो में कमेंट्स में शायद मैं आंसर ना कर पाऊँ, ठीक है। तो गाइज देखिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पर
कैंपस के अंदर ही मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि आपको हॉस्टल है वो मिल जाए मे बी, ठीक है, क्योंकि यार इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है भाई, टाइम ही नहीं हुआ है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड डाउट उनका आएगा जो अभी बच्चे हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बच्चे का मतलब जो 18 से नीचे हैं, ठीक है, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ। तो यार जो 18 से नीचे हैं उनके लिए क्या होगा अगर उन्हें हॉस्टल चाहिए। देखिए वो दूर से आते हैं तो ऑब्वियसली हॉस्टल तो चाहिए ही, तो आई थिंक उनसे उनकी कोविड रिपोर्ट मांगी जा सकती है, ठीक है, तो उनको भी भाई बातचीत करनी पड़ेगी यहाँ पर मैनेजमेंट से कैंपस के अंदर, देन ही उनका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे हॉस्टल के रिगार्डिंग। आपको यहाँ पर आज से लेकर 18 तारीख तक रजिस्टर करना है, 19-20 को आपको हॉस्टल मिल जाएंगे और 22 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 3, द थ्योरी क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3rd, 5th, 7th and 9th सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस विल कंटिन्यू इन ऑनलाइन मोड टिल फर्दर डिसीजन। यानी कि हमारे जो पुराने भाई बहन हैं, यानी कि जो ऑलरेडी यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं और थोड़े दिन यहाँ पर कैंपस के अंदर पढ़ चुके हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पुराने हैं उनके लिए एक अपडेट दी गई है कि भाई जो 3rd, 5th, 7th और 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही लगेंगी टिल फर्दर डिसीजन। यानी कि आगे प्लानिंग करके आपको भी बुलाया जाएगा, लेकिन तब तक आप यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ते रहिए। और मैंने यहाँ पर वीडियो में बताया था कि ऐसे नहीं खुलेगा, ठीक है, कि भाई सभी को बुला लिया, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, ये इनको गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, तो ये प्लानिंग के थ्रू बुलाएंगे कि भाई पहले थोड़े बच्चों को बुलाए फिर थोड़े को, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो यहाँ पर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी नहीं जाना है, कौन से 3rd, 5th, 7th और 9th, ठीक है, इनके लिए यहाँ पर आगे जो डिसीजन आएगा उसका आपको बता दिया जाएगा। आगे देखिए, हाउएवर द कैंपस फॉर सच स्टूडेंट्स इज ऑलरेडी ओपन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वेयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फील्ड वर्क इज इन्वॉल्व। यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको भाई कुछ प्रैक्टिकल वर्क करना है, कुछ रिसर्च वर्क करना है, कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह का वर्क है, उनके लिए ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, तो उनको टेंशन नहीं लेनी है। पॉइंट नंबर जो 4 है उसको यहाँ पर मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। उसमें बताया गया है कि जितना भी स्टाफ है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भाई कैंपस के अंदर पैर रखेंगे वो वैक्सीनेट होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 5th है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको क्लियरली सब कुछ बता दिया है। आपकी जो कैंपस है उसमें जो क्लासेज हैं वो 22 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, और आज से यानी कि 16 से 18 तक आप यहाँ पर हॉस्टल के लिए रजिस्टर कर दीजिए ऑनलाइन, उसके बाद आपको हॉस्टल मिल जाएगा। एक वीडियो में बना दूंगा कि कैसे क्या प्रोसेस है रजिस्टर करने का, अगर आप कहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। और रूल्स रेगुलेशंस की बात करें अगर हॉस्टल की, सो सबसे पहला रूल तो यही लगा दिया है कि आप दोनों डोज से वैक्सीनेट होने चाहिए, यानी कि डोज 1st भी आपको लगी होनी चाहिए और डोज 2nd भी लगी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस ये रहते हैं कि भाई आप यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं लेके जा सकते, या फिर मैं कहूँ कि आप हॉस्टल के अंदर, देखिए अगर मैं सिंपल भाषा में कहना चाहूँ तो भाई अगर आप बदतमीजी वगैरह करेंगे, ठीक है, तो आपको फिर हॉस्टल से निकाला भी जा सकता है। तो यही रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि मैं आपको सिंपली समझाना चाहता हूँ, ठीक है, वरना अगर आप इनकी PDF पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने इंग्लिश में मतलब थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में लिख रखा है, लेकिन मैं आपको ईजिली ब्रो टू ब्रो टिप देना चाहता हूँ कि यार आपको हॉस्टल में अच्छे से रहना है। अगर आप भाई कुछ बदतमीजी वगैरह करते हैं, कुछ अलग यूनिक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पीकर बजा लिए ये वो, तो आपको निकाला जा सकता है, ठीक है, तो अच्छे से रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक पॉइंट और रह गया है, हॉस्टल अलॉटमेंट में उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हीं को पहले बुलाया जाता है जिनके यहाँ पर जो डिस्टेंस है हॉस्टल से घर की वो दूर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा दिल्ली से हॉस्टल में रहने आ रहा है कुरुक्षेत्र, एक मुंबई से आ रहा है, तो मुंबई वाले को पहले हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे गाइज आप ध्यान रखना कि भाई आपका क्या यहाँ पर डिस्टेंस है वो आप बता देना प्रॉपर, उसके हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।